बदायूं में महिला के साथ गैंगरेप और हत्या के मामले में अब राजनीति शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग उठाई और पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में पीड़ित परिवार से मिला और मृतका के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी समेत 25 लाख रुपए सहायता राशि देने की मांग की। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं बची है, जाति विशेष को बचाने की कोशिश की जाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस घटना में सीबीआई जांच होनी चाहिए। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, ये सरकार अपराधी कौन होगा या कौन अपराधी करके भी अपराध से बचेगा, ये एक जाति विशेष के लिए विशेष यहाँ पे काम पर चल रहा है ये बीजेपी की सरकार में। अगर उस जाति का अपराधी है तो उसको छोड़, एसआईटी में कौन अधिकारी है, कहाँ के अधिकारी हैं, किसके अंडर में, किसको रिपोर्ट करेंगे। सीबीआई को जांच आनी चाहिए और कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट होनी चाहिए, क्योंकि जाति विशेष के अगर अपराधी हैं, चाहे वो हाथरस हुआ हो, चाहे वो आज आपका बदायूं हो, चाहे लखनऊ में कल की घटना हो, जाति विशेष के अपराधियों को बचाने का षड्यंत्र कर रही है बीजेपी की सरकार। मामूली घटना है कि पूरा बदायूं की बदनामी पूरे देश में हो रही है और अभी ये मामला शांत नहीं हो पाया, अपराधी गिरफ्तार नहीं हो पाए और हमारे शहर की एक बच्ची, नाबालिग बच्ची के साथ भी रेप कर दिया गया। कोई मामूली बात है क्या? संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पे सरकार। इसलिए समाजवादी पार्टी की ओर से मांग है कि इसको सीबीआई होना चाहिए और इस परिवार को, पीड़ित परिवार के, जिसमें एकमात्र वही महिला थी जो कमा रही थी, परिवार का पेट भर रही थी, कम से कम 25 लाख का आर्थिक सहयोग होना चाहिए। उनका जो बेटा है, उस बेटे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। ये हमारी अपनी पार्टी की तरफ से मांग है।